वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही कमाल की पिक्चर के बारे में जिसका नाम है द फादर्स। और मुझे देखे हुए इसे 2 दिन हुए बस, और मैं बता दूं गाइस, इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, मेरी हाईली रिकमेंडेड मूवीज़ है। और मैं इसको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है 2021 आई गेस। एंड या आई डोंट नो 2020 में रिलीज होगी 2021 में, आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसको अभी 2 दिन हुआ मुझे देखे हुए। और ये डिमेंशिया बेस्ड मूवी है, आई मीन अल्जाइमर पे मूवी है, बीमारियों वो जो नहीं अल्जाइमर वाली मूवीज़ होती हैं उनमें से एक है। लेकिन अगर आपको अल्जाइमर टॉपिक ओवर रेटेड लगता है, मेरी बात पे बिलीव करो गाइस, सर एंथनी हॉपकिंस और ओलिविया जो भी नाम है उनका, वो सीनियर एक्ट्रेस हैं वो भी, और इन दोनों ने जो क्रश करा है ना गाइस, इन दोनों की स्टार हैं दोनों इस पिक्चर के। और इन दोनों टीचरों ने मतलब गजब, टीचर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट इतनी करता हूँ, टीचर का रोल नहीं है इसके अंदर, जो फादर है द फादर का रोल, द फादर जो मूवी का नाम है टाइटल है, द फादर का रोल सर एंथनी हॉपकिंस कर रहे हैं और उनकी बेटी का रोल कर रही हैं ये ओलिविया। और ये कमाल की मूवी है, डायनेमिक्स है, पूरे फैमिली डायनेमिक्स की मूवी है, रिलेटेबिलिटी एक्सेप्शनल है, वन ऑफ द बेस्ट आई एवर सीन। क्योंकि मैंने अबे तुम्हें सर एंथनी हॉपकिंस की एक्टिंग मिलेगी और ओलिविया जैसी एक्ट्रेस मिलेंगी आपको, आई मीन अरे जाओ यार, इससे अच्छे कोई कॉम्बिनेशन तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हें देखना है इस पिक्चर को, ठीक है, ये मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये हॉलीवुड रन टाइम है, रन टाइम समझते हो, 1.5 घंटा, बस चुपचाप देख लो, खुद पे एहसान करो, समझे। अगर क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम इंडियन व्यूअर हो, तुम जानता हूँ मैं तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें रोम कॉम देखनी है, तुम्हें फ्रेंड्स थी 50 बार देखना है, नहीं ऐसे नहीं चलता ना, कुछ बढ़िया मीनिंगफुल पिक्चर देखी आपको, बार बार मतलब कुछ भी मतलब हेंटाई देखो, कुछ भी देखो, अरे भाई कुछ अच्छा देखो तो और मन करेगा अच्छा देखने का। ये बहुत अच्छी पिक्चर, वहाँ मैं 2 पिक्चरों का और रिकमेंडेशन वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं इसी की जैसे 1-2 पिक्चर और रिकमेंड करना चाहूँगा, इसी के अंदर कर देता हूँ, उसकी अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक का नाम है साउंड ऑफ मेटल और एक का नाम है स्टिल एलिस। ये दोनों अल्जाइमर बेस्ड मूवी नहीं है, साउंड ऑफ मेटल है, इसके अंदर जो सुनने की शक्ति हो, मतलब जो सुनने की वो होती है एबिलिटी, वो इंसान खोने लगता है, उसको एक्सप्लोर किया गया है साउंड ऑफ मेटल में। और स्टिल एलिस में मतलब समझ लो कि इसमें द फादर देख रहे हो, उसमें द मदर देख रहे हो स्टिल एलिस के अंदर। पिक्चर दोनों एकदम सेम टॉपिक पे है, द फादर जो मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ और स्टिल एलिस बस वो भी द सेम टॉपिक पे है, वो भी मास्टर क्लास मूवी है, उसके अंदर जो एक्ट्रेस है वो भी सीनियर एक्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा कमाल का उन्होंने रोल किया उसके अंदर। आप स्टिल एलिस देख सकते हैं, नहीं तो द फादर भी देख, दोनों में से कोई भी देखो, ये मेरा इतना भौंकना वर्थ इट हो जाएगा, ठीक है। तुम बस ये ध्यान रखा कि द फादर मैंने अभी देखी और मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा, द फादर का ये रिव्यू है तो द फादर को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 8.2 सॉलिड आउट ऑफ 10। क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि ये पिक्चर आपको पूरी तरीके से डिमेंशिया का मरीज़ बना देगी। जब आप पिक्चर को देख रहे होते हो आप खुद एक मरीज़ बन चुके होते हो, तो ये चीज़ सोचना मत कि इसमें प्लॉट ऊपर नीचे क्या हो रहा है। मैं तुम लोग की ईज़ के लिए एक चीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दे रहा हूँ यहीं से, अगर तुम ये रिव्यू देख के जा रहे हो तो अच्छी बात है, तुम डिसअपॉइंट नहीं होगी, पिक्चर देख के डिसअपॉइंटमेंट आपको फील नहीं होगी कि इसके अंदर मतलब आपको लगेगा जंपिंग प्लॉट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्लेवर मूवी है, नई फिल्म मेकिंग है, एक तरीके से मॉडर्न फिल्म मेकिंग कह लीजिए, एक स्टेप अहेड है और बहुत ही कमाल की फिल्म मेकिंग हो रही है यहाँ पे। इसमें आपको मतलब साउंड ऑफ मेटल वाला हाल है यही वाला, लेकिन स्टिल एलिस में ऐसा नहीं, स्टिल एलिस मोर ऑफ अ एक्सप्लोरेशन है, मतलब कैरेक्टर बेस्ड मूवी है, बहुत अच्छी, स्टिल एलिस बहुत अच्छी मूवी है। साउंड ऑफ मेटल और ये क्या कहते हैं द फादर एक स्टाइल की मूवी है, लेकिन एक ही सेम टॉपिक की मूवी स्टिल एलिस और द फादर है। साउंड वो साउंड पे है, इसमें मतलब डिमेंशिया पे दोनों, अल्जाइमर पे। सो मिलते हैं अगले रिव्यूज़ एनिमे टॉक्स में या फिर किसी भी चीज़ में, तो आगे देखते हैं क्या होता है गाइस, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हेल्प ईच अदर, या शेयर लव, शेयर दिस वीडियो।